अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो विटामिन ए, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन ए। विटामिन ए प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन है। विटामिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है वो क्या है, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए क्या है, एक्टिवली फॉर्म जो है बॉडी में, इसकी जो एक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म में होता है, रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में होता है, रेटिनॉल की फॉर्म में होता है, जिसे हम कलेक्टिवली रेटिनॉइड्स कहते हैं। कभी भी विटामिन ए की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि उनकी एक्टिव फॉर्म जो है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, अच्छा अब हो गया क्लियर। विटामिन ए जो है वो कभी भी विटामिन ए की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि अपनी एक्टिव फॉर्म में होगा, जो कि तीन है, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं रेटिनॉइड्स। ठीक है, ओके जी, रेटिनॉइड्स जो है जिसे हम कलेक्टिवली रेटिनॉइड्स कहते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए को जब हम कलेक्टिव करते हैं तो उसे कलेक्टिव फॉर्म में हम रेटिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉइड्स वो कंपाउंड है जो कि हमें एनिमल सोर्स से ड्राइव होते हैं, उन फूड में प्रेजेंट होते हैं जो कि हम, वो फूड्स जो कि हम एनिमल से ड्राइव करते हैं उसे हम रेटिनॉइड कहते हैं, और वो फूड जो हम कैरेटिनॉइड्स उनको कहते हैं जो फूड हम प्लांट सोर्सेज से ड्राइव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो कैरेटिनॉइड है विटामिन ए की फॉर्म है, ये क्या करता है, सम ऑफ विच इसमें से कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए की फॉर्म में, एज कैरेटिनॉइड नहीं रहते बॉडी में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेशन ऑफ विटामिन ए में। विटामिन ए की डाइजेशन के लिए कुछ प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है, और जब डाइजेशन हो जाती है उसके बाद एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन ए जाके। विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक चैनल है। ठीक है, उस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए क्या होता है, विटामिन ए एब्जॉर्ब होने के बाद उसके जरिए वो लिवर में चला जाता है, वहां जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। आरबीपी क्या है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, एक स्पेशल टाइप की ये प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि हमने लिवर में जाके विटामिन ए को स्टोर हुआ था, ठीक है, वहां से विटामिन ए को ये कहती है आओ मेरे साथ, ये वहां से विटामिन ए को उठा लेती है, उसे उठाने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें ब्लड में दे दूंगी। अब इसका मतलब क्या है कि वो लिवर से लेती है विटामिन ए को, लेने के बाद उसे ब्लड एंड कैरीज इट इन द ब्लड, और उसे ब्लड में ले जाती है सेल जो कि यूज होते हैं, और इस सारे प्रोसेस में जो सेल यूज हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास यूज विटामिन ए, जो कि सेल्स यूज विटामिन ए, जो सेल विटामिन ए को यूज करते हैं वो क्या होता है, उनके पास एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल्स का एक्शन हो रहा होता है वो हर जगह डिफरेंट हो रहा होता है। वो डिफरेंट किस पे डिपेंड करता है, वो रिस्पांस पे डिपेंड करता है, रिसेप्टर के रिस्पांस पे, डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस में कौन से वो करवाता है, परफॉर्म करवाता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया है कि सेल जो है वो हर बॉडी के पार्ट में डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इन स्किन, यहाँ क्या होता है, स्किन में रेटिनॉइक एसिड क्या करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है सेल को ग्रोथ में, कहाँ पे, ग्रोथ में। ठीक है, रेटिनॉइक एसिड कैन स्टिमुलेट सेल ग्रोथ इन द स्किन। ठीक है, सेल ग्रोथ करवाता है कहाँ पे, स्किन में। अब और क्या करता है, ये इनहेबिट कर देता है सेल ग्रोथ को ट्यूमर में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो कि
ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर में जाके स्टोर हो गया वाइटामिन ए, वहां से इसने कैरी किया और ब्लड को दे दिया। ठीक है, फिर क्या है कि जो सेल यूज हो रहे होते हैं वो वाइटामिन सेल जो कि यूज करते हैं वाइटामिन ए को, वो स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास, जो कि हर सेल में डिफरेंट विद इन ईच सेल डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अब वो एक्शन स्किन में और होता है और ट्यूमर में और होता है, स्किन में वो ग्रोथ करवाता है और सेल की और इनहिबिट कर देता है सेल ग्रोथ को ट्यूमर में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है उसका हेडिंग जो है वो रोल है बॉडी में। ठीक है, विटामिन ए बॉडी में क्या रोल प्ले करता है ये अब हम बुक से पढ़ेंगे, ये बुक अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन की है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि विटामिन ए क्या है, एक वर्सटाइल विटामिन है जो कि रेगुलेट करता है डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ जीन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़े थे कि बॉडी में कैसे रोल प्ले करता है विटामिन ए, काफी सारे जीन्स जो है हंड्रेड्स ऑफ जीन्स को एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करके विटामिन ए बॉडी में रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन साइंथेसिस में, सेल के डिफरेंशिएशन में, जो सेल डिफरेंशिएशन हो रही होती है, प्रोटीन की साइंथेसिस हो रही होती है अमाइनो एसिड के लिंकेज से, और मेंटेन करता है एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्थ को यानी कि उसको एपिथेलियल टिश्यू के किसी भी तरह के मतलब उसे हर किस्म के नुकसान से बचाता है, डैमेज से बचाता है, उसकी हेल्थ को रेगुलेट करता है, सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन को और रेगुलेट करता है ग्रोथ को। विटामिन ए ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ रिटार्डेशन में बहुत हेल्प आउट करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसकी ग्रोथ रिटार्डेड होती जा रही है, हम उसे विटामिन ए की डाइट प्लान्स बना के देंगे, विटामिन ए जिसमें रिच हो और उसे सप्लीमेंट्स देंगे तो वो ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी उसकी ग्रोथ। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को विटामिन ए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जैसे कि रेटिनॉल की, देखे रेटिनॉल जो है इधर लिखा हुआ है। ठीक है, रेटिनॉल जो है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको सपोर्ट करता है और मेजर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और स्टोरेज जो हो रहा होता है बॉडी में वो विटामिन करवाता है। अब ये क्या है कि मेजर स्टोरेज फॉर्म है विटामिन की रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल एक्टिव फॉर्म है, हमने पीछे पढ़ा रेटिनॉल रेटिनॉल और रेटिना एक एसिड जो है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये क्या कह रहे हैं कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन है, मेजर ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक्टिव होता है किसमें, विजन में, ऑल्सो एन इंटरमीडिएट इन द कन्वर्जन ऑफ रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। ठीक है, रेटिनोइक एसिड एक हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं कि वो रेगुलेट करवाते हैं किसको, सेल डिफ्रेंसिएशन को, ग्रोथ को, एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट को, बेबी की जो डिवेलपमेंट हो रही होती है उसको प्रमोट करता है। अच्छा, अब अगला क्या है, ये यहीं तक करना है, उससे अगला है विटामिन ए का विजन में क्या रोल प्ले करता है। विटामिन ए हमारी विजन में हमें क्रेटोमलेशिया से बचाता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, वो किस तरह बचाता है, आखिर उसका सारा प्रोसेस क्या है, ये देखें। लाइट एनर्जी, यहाँ से लाइट एनर्जी है उसे कन्वर्ट करवाता है ये इम्पल्स में। ठीक है, वो जाके यहाँ ये रेटिना है, यहाँ पे रोड और कौन सेल्स होते हैं, यहाँ पे जाके ये लाइट पड़ती है और हमारा सारा विजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉर्निया है। ठीक है, ये वो नर्व इम्पल्सिस हैं जो कि ब्रेन तक जारी होती हैं। ठीक है, ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है, ये रोड्स और कौन सेल्स हैं और ये इन्हीं रोड और कौन सेल्स को ब्रॉड टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मोर देन 100 मिलियन फोटोसेंसिटिव सेल्स जो हैं वो रिजाइड करते हैं रेटिना में, मोर देन 100 मिलियन फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं इस रेटिना के अंदर, ईच कंटेन्स 30 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। अब इसमें क्या है कि
इस छोटी सी डायग्राम में, ये देखने में तो छोटी डायग्राम है लेकिन इसमें 30 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं एक उसमें फोटोसेंसिटिव सेल में, किसके विटामिन ए के, जो कि क्या करते हैं विजुअल पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ये लाइट रोडेंट को आंख पे पड़ी पिगमेंटेशन होती है जिसे हमें नजर आना शुरू हो जाता है। रोड्स कंटेन रोडोप्सिन होता है पिगमेंट, और जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू फेंट लाइट, और जो कॉन्स होते हैं वो आइडोप्सिन होते हैं। ठीक है, ये एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा हमने रोडोप्सिन और आइडोप्सिन, या फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि कॉन्स को आइडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं, रोड्स को क्या कहते हैं। ये देखें, ये रोड्स है, ये कॉन्स है, इसको क्या कहते हैं हम रोडोप्सिन। और ये कॉन्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं आयोडोप्सिन। ठीक है, ये क्या करते हैं सॉरी इन दोनों के नाम है। और ये आयोडोप्सिन जो कि कौन है, ये क्या करता है कि कलर विजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आई को। और ये जो रोडोप्सिन है ये क्या करता है फेंट लाइट को प्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही लाइट इंटर होती है आई में, जो सेल होते हैं रेटिना के, वो कन्वर्ट करते हैं इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। ठीक है, कंक्लूजन में अब क्या है कि हमने विटामिन ए के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, विटामिन ए में कौन से एक्टिव कंपाउंड होते हैं, कलेक्टिवली उनको कहा क्या जाता है, रेटिनॉइड्स क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, रेटिनॉइड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है विटामिन ए की, कन्वर्जन्स क्या है, और बॉडी में विटामिन ए क्या रोल प्ले करता है, और विटामिन ए विजन में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन ए प्रोटीन सिंथेसिस में और सेल डिफरेंशिएशन में क्या रोल प्ले करता है। ये देखें, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे विटामिन ए रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इन्फेक्शियस डिजीज, टॉक्सिसिटी, ब्लाइंडनेस, ज़ीरोपैथेल्मिया, सारी डिजीजेस हम डिस्कस करेंगे, इसका ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। विटामिन ए के फूड्स कंपोनेंट कैसे हैं, विटामिन ए में हमें क्या डाइटरी सोर्सेज लेनी चाहिए, क्या सप्लीमेंटेशंस लेनी चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।